हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरे सारे फ्रेंड्स कैसे हो? एकदम मस्त ना? मेरी पूरी कुकी स्पॉट फैमिली हमेशा स्वस्थ रहे और खूब मस्त रहे, बस यही अभिलाषा की अभिलाषा है। आज डे संडे है और आज मैं ब्रेकफास्ट रूटीन शेयर नहीं करने वाली हूँ। ब्रेकफास्ट में वैसे भी आज गुजिया खाई गई है और पापड़ी खाई गई है अचार के साथ, जो कि रेसिपी मैं शेयर कर चुकी हूँ। तो सबने सुबह नाश्ता कर लिया है और करीब 10:30 हो रहे हैं। सुबह संडे सब लेट ही चलता है, लेकिन आज बहुत बड़ा भारी काम है। भारी काम ये है कि मैंने सोफे के कवर लिए थे, व्हाइट कलर के, शॉपिंग की थी यहीं भुसावल में और आपको दिखाया था। आज वो कवर लगाने वाली हूँ मैं सोफे में, और ये सारे पुराने कवर निकाल लिए गए हैं। विधिवत सफाई अभियान शुरू है संडे वाला, और साथ में कुछ ऑनलाइन शॉपिंग भी की है मैंने। बेडरूम की वॉल में लगाने के लिए स्टिकर लिया है, वो लगाने वाली हूँ, और किचन में वो लिया है, मैट लिया है काउंटर टॉप के लिए ड्राई वाला, वो दिखाऊंगी, और एक की होल्डर लिया है। तो कुछ चीज़ें मंगाई थी वो आ गई हैं, तो आज वही सब लगाने वाले हैं हम लोग। और आइए देखते हैं क्या क्या हम लोग कैसे करने वाले हैं, थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। संडे संडे हमेशा मैं बोलती हूँ कि एक खतरनाक दिन होता है। सुबह से लेकर रात तक काम काम और काम, खासकर जब शूटिंग डबल हो मेरी, तब तो पूछो मत मेरा क्या हाल होता है। आज सोफे के ये कवर, जब सोफा बना था ना पाचोरा में, तब से जो फोम था उसमें ये वाला कवर जो हम लोगों ने लगवाया था पहली बार, अब इसको कपड़ा चेंज हो रहा है। मतलब धुले थे खोल करके, लेकिन आज जैसे कि उसको चेंज करके दूसरा लगाया जा रहा है। ये जो बेडरूम में राधा कृष्ण की जो फ्रेम है, इसे यहाँ से निकाल कर मैं हॉल में लगाने वाली हूँ। और मैंने एक वॉल स्टिकर मंगवाया है जो कि यहाँ बेड के ऊपर लगाने वाली हूँ। तो इस तरीके के सारे चेंजेस होंगे। बालकनी में जो वॉल हैंगिंग है वो भी चेंज करूंगी मैं, और बेडशीट डलेगी। तो पहले तो धुलने वाले सारे कपड़े निकाल लिए गए हैं, जैसे सोफे कवर, दीवान कवर, बेडशीट वगैरह। तो ये राधा कृष्ण फ्रेम है और इसे निकाल कर मैंने यहाँ हॉल में लगाया है। और जो हॉल में लगी हुई थी सीनरी कपड़े की है ये, इसे मैंने वहां बालकनी में लगाया। सबसे पहले मैंने एक बॉक्स खोला है, ये मैंने ऑनलाइन मंगवाया है, और ये है वॉल स्टिकर। ये मिरर इफेक्ट है, इसमें सिल्वर कलर भी आता है जो कि ग्लास का कलर वाइट दिखेगा। ये मैंने गोल्डन वाला लिया है। तो यहाँ पर पीछे एक पेपर होता है, उसे निकाल करके आप इजीली वॉल पर स्टिक कर लेते हैं। तो मैं बड़ी हैरान परेशान थी कि शुरुआत कहाँ से करूँ, क्योंकि चीज़ें दिखती हैं जैसे पिक्चर्स में। अब हमारे यहाँ जो वॉल है उसमें कहाँ कैसे अरेंज करूँ कि बेड में बैठे, मेरा ऐसा मन था बैठे टिक कर तो ऊपर से वो दिखाई दे। कभी मैं ऐसे इंट्रो वगैरह के लिए, वीडियो के लिए बैठ के बोलूँ तो बैक में दिखाई दे, लेकिन वो सही नहीं लग रहा था। तो थोड़ा ऊपर उठा करके मैंने इसको यहाँ सेंटर में लगाने की कोशिश करी। इस वॉल पर एक क्या पोल भी दिख रहा है ना, ऐसे यूं करके जो जो जहां से मैं खड़ी हूँ, देखो ऐसे थोड़ा ओवरा ओवरा दिख रहा है ना। तो मैंने इसको इस तरीके से सेंटर में लगाया, तो एक सूरज जैसा है। मतलब ये जो इसका पिक्चर जो आएगी बनने के बाद, वो कुछ इस तरीके का होगा। तो बीच में है सर्कल और फिर साइड्स में किरणें जैसा है, बड़ी बड़ी और फिर छोटी छोटी। तो कुछ इस तरीके से एक के दो के बीच में गैप में लगा रही हूँ मैं। और इसी तरीके का पिक्चर में भी था जो हमने ऑनलाइन मंगवाया ना, तो अमेजोन से मंगवाया है, और उसमें इसी तरीके का फोटो था। कुछ साथ में बटरफ्लाईज भी दी गई हैं, तो मैं हंस रही थी शुभी से, बटरफ्लाई तो हमारे रूम में बिल्कुल जैसे परमानेंट हो गई हैं। एक तो कलरफुल हैं, बेडशीट भी डलती हूँ मैं कभी कभी, और इनका जो पेपर है वाइट वाला जो ऊपर से निकाल देते हैं ट्रांसपेरेंट, तो एकदम रियल ग्लास लगने लग रहा है ना, मिरर जैसा। अब यहाँ विंडो में कर्टन लगा रही हूँ मैं, और आज सुबह से जो मेहनत मशक्कत हो रही है वो हो रही है। आज होम टूर का वीडियो बनाने वाली हूँ। अगर आप YouTube में सर्च में डालो ना अभिलाषा कुक स्पॉट, तो सबसे पहले नंबर पे आता है अभिलाषा कुक स्पॉट होम टूर। जबकि इस घर में आए हुए 2 साल हो गए, इतनी रिक्वेस्ट थी, हम होम टूर तो कभी बना ही नहीं पाए। तो मुझे लगा इतनी रिक्वेस्ट होती है तो आज चलो ये काम भी पूरा कर लेती हूँ, फिर आगे आगे बहुत ज्यादा बिजी होने वाली हूँ मैं।
मतलब अकेले सब कुछ संभालना होगा मुझे, तो ये एक बड़ा काम है जिसके लिए मुझे शुभी की हेल्प चाहिए, तो ये तो जरूर कर लूं मैं। अब जो सुबह से लगी पड़ी थी ना मैं, दोपहर तो कैसे हो गई पता ही ना चला, और फिर शाम को मुझे होम टूर करना था, और जो आपने देखा, और होम टूर तो वीडियो आपने देखा है, और उसमें जो वॉइस ओवर का जो मसला हुआ, मैंने पूरा वीडियो मतलब अच्छे से कैमरे में बोल करके ही हर कमरे में गई और बोला। लेकिन जब पूरा शूटिंग हो गई और मैंने अपना रिलैक्स मोड पकड़ा, कपड़े पे चेंज किए, और जब मैंने वीडियो क्लिप देखी तो वहां देखा सन्नाटा, मतलब मोबाइल में तो सन्नाटा, मेरे चेहरे पे सन्नाटा सब कुछ गायब था, हवा था सब कुछ, मतलब बड़ी मतलब हैरान परेशान हो गई मैं, क्या क्या करूं, वो वाली चीज हो गई। तो इसीलिए मैंने आपके साथ शेयर किया, मैं आगे कोशिश करूंगी कि फिर से वही काम करूं, क्योंकि एक बार करके तुरंत वही काम नहीं होता ना, समझ रहे हो ना, मतलब मूड ऑफ हो गया ना, फिर तो दोबारा करने की इच्छा ही नहीं हुई। मैंने सोचा अब जहां इतने दिन नहीं हुआ तो और थोड़े दिन बाद करूंगी दूसरा जो करूंगी, तो आज तो बिल्कुल भी नहीं करूंगी। तो फिर मैंने शुभी से कहा चलो वो तो शेयर कर ही लेते हैं, लेकिन अब बाद में फिर और इससे बेहतर बनाने की कोशिश करूंगी मैं। तो बेडरूम में तो जैसा तैसा मैंने पूरा बेडशीट और कर्टन वगैरह लगाए। अब ये पैकेट खोला है, ये देखो व्हाइट कलर का जो कपड़ा दिख रहा है कॉटन का, ये फोम के ऊपर परमानेंट लगा हुआ है। जब हमने फोम शीट बनवाए थे तब तो हमने कपड़ा लगवा के सिलवा लिया था, और ये अभी हमने लेदर फैब्रिक मतलब लेदर क्या कहो, रेगसिन लेदर वैसा ही कुछ है, ये हमने सिलवाया है यहीं पर, आकाश फोम करके एक शॉप है भुसाल में, वहां से बनवाया है, नाप दिया था उनको बुलवा करके, और कपड़ा हमने वहीं जाके पसंद किया था। ये बन करके आ गए थे, रखे हुए थे 8 दिन से, लेकिन वो शूटिंग का मुहूर्त नहीं आ रहा था, मैं इतना फ्री नहीं हो पा रही थी कि इसके लिए पूरा 1 दिन का टाइम दे सकूं, तो आज वो दिन आया है। तो ये मैंने सारे के सारे कवर लगा दिए हैं, 10 पीसेज हैं, 5 बड़े वाले हैं यानी सीट वाला है, और 5 बैक साइड है, क्योंकि जो जो सोफा है इसमें 2 छोटे वाले सिंगल वाले चेयर हैं और 3 वाला 1 है, तो टोटल 10 पीसेस बने हैं। और ये एकदम वाइट वाइट लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, काफी दिनों बाद चेंज हुआ, हमेशा वो डार्क ब्राउन वाला था, इस वजह से आंखों को बहुत अच्छा लगा। लकड़ी का जो सोफा है उसे पूरा कपड़े से अच्छे से पोछा गया है, क्योंकि जो जाले झंगाड़े लटके रहते हैं ना, कोने कतरे चिपके रहते हैं, वो सब पूरा साफ करने का मौका बहुत कम आता है, वरना तो रोज की बस झाड़ू ही लगती है, क्योंकि शूटिंग डेली शूटिंग, तो फिर कहाँ इतना एक्स्ट्रा टाइम मिलता है। आज वही सब काम हो रहा था, तो जो सुबह से शुरू, अच्छा हुआ कि आज गुजिया और वो पापड़ी खाई गई नाश्ते में, सबने दूध पी लिया तो थोड़ी देर के लिए राहत हो गई नाश्ते की ओर से, सिर्फ लंच बनाना है। हालांकि संडे शायद ही कभी ऐसा हो कि नाश्ता ना बने ना, लेकिन आज ऐसा करना पड़ रहा है, क्योंकि अगर ये सब काम सुबह लगो किचन में तो देखो इनमें फिर देर होती है। यहाँ पर व्हाइट कर्टन लगाए हैं मैंने विंडो में, और चूंकि सब पूरा व्हाइट व्हाइट कर देने वाली हूँ मैं आज, सफेदी की चमकार, सुपर रेन वाली चमकार जो नहीं आता एड में, ऐसे हर तरफ चारों तरफ सफेद सफेद, तो ये इस रूम में भी मैंने कर्टन लगाया, तो व्हाइट वाला लगाया। जब भी मैं चेंज करती हूँ तो एक जैसा ही सारा लगाती हूँ हॉल में, तो ये कर्टन लग गया। तो यहाँ पर 2 चीजें कंप्लीट हो गई, एक एक काम करके जैसे लगता हाय अब चलो इतना तो पूरा हुआ। अब दीवान का कवर, ये भी हमने नया लिया है, क्योंकि मेरे पास जितने भी दीवान सेट हैं मैंने ऑनलाइन लिए हैं, कुछ एक शायद जलगांव से लिया था मरून वाला, लेकिन इस बार मैंने व्हाइट में लेना चाहा, प्योर व्हाइट तो मिल नहीं रहे थे, और जो मिल भी रहे थे वो हमें डिजाइन से पसंद नहीं आ रहे थे। इसका फैब्रिक भी अच्छा लगा हमको, और इसका वर्क जो है मतलब लॉन्ग काफी समय तक चलने के हिसाब से है, अच्छा है क्वालिटी, तो ये इसलिए हमें पसंद आया। इसमें कुशन के कवर थे 5, क्वालिटी अच्छी है, और 2 लोड कवर है मसनत के कवर, तो ये चढ़ाए मैंने और ये लगाया, तो कुछ कुछ सिमिलर है, प्योर व्हाइट नहीं है कर्टन जैसा, और जो व्हाइट लेदर जो सोफे पे है उससे सिमिलर है, बट एग्जैक्टली सेम नहीं है, बट जितना मतलब मिल सकता था मैच करके उतना हमने ढूंढ कर निकाला है। और अब मैं व्हाइट सोफे के ऊपर डाल रही हूँ, ये जो टिश्यू का, ये नेट का नहीं है, टिश्यू का है ये, मतलब और भी जैसे कभी डार्क ब्राउन के ऊपर भी डाल सकते हैं, या प्लेन किसी भी फैब्रिक के ऊपर डाल सकते हैं, इस तरीके का कवर लिया।
ये हमें लेना ही नहीं था, पता है हमें तो सिर्फ व्हाइट ही बनवाने थे, लेकिन वही है ना, शॉप में जाओ तो जब वो लोग दिखाते हैं तो कन्विंस करते हैं कि ऐसा वैसा, ये अच्छा वो अच्छा, तो दिमाग मेरा उस समय मैं भूल गई थी थोड़ी देर के लिए कि मुझे ये नहीं चाहिए थे, लेकिन फिर भी पसंद आ गए तो फिर ले लिया। फिर ये सोचा कि जैसे हमेशा व्हाइट भी रहेंगे तो कभी अगर चेंज करना हो तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, कभी किसी फंक्शन पार्टी के लिए एक चेंज लाना है हॉल में तो हम कभी कभार इसे ऐसा डाल लिया करेंगे, तो ये भी थोड़ा सा फैंसी लुक देगा। तो बस ये इस तरीके का है। तो आज तो फिलहाल मैंने सारे लगाए हैं दिखाने के लिए आपको कि मैंने ये शॉपिंग करी थी जब हम मार्केट गए थे, और सोफे और दीवान के लिए हमने ये चीजें ली थी जिससे हमने हॉल में कुछ चेंज लाने की कोशिश की है। और अब शाम को शूटिंग करनी थी होम टूर, क्योंकि अभी तो दोपहर में खाने की घंटी बजने लगी, खाने का कहाँ टाइम शुरू, फिर कहाँ होम टूर। अब ये कर्टेन भी मैंने दिखाया था पहले भी, दो तीन कलर के हैं मेरे पास, ब्लू पिंक और ये है ब्राउन, और जिसमें थोड़ा सा क्रीम का काम भी है। इस कर्टेन को मैं लगाया करती हूँ हॉल किचन और बेडरूम का, ये जो पार्टीशन है, पार्टीशन क्या एंट्रेंस है, मतलब बेडरूम में जाने का जो रास्ता है, वॉशरूम है, इसके यहाँ पर मैं इस तरीके से लगा लेती हूँ। तो सिर्फ एक शो के लिए है ये, कोई कर्टन वाला काम नहीं करता है, हमें भी अंदर से। और अब मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ, जब तक सब्जी छौंक दूँ, सब्जी पकती रहेगी तो आगे के भी बहुत सारे काम बाकी हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर आलू, प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक और हरी मिर्ची निकाली है। तो मैंने छोटे से खलबत्ते में डाला है लहसुन, अदरक और हरी मिर्ची, जिसका हम अच्छे से पेस्ट बना लेंगे। एक आलू के छोटे टुकड़े किए थे मैंने, और दो मीडियम साइज की प्याज ली हैं, और दो बड़े साइज के टमाटर लिए हैं। आज मैं बनाने वाली हूँ मूंगौड़ी की सब्जी, लेकिन मूंग की दाल की नहीं, बल्कि मैंने जो मोठ की दाल की मूंगौड़ी बनाई थी वो है। तो आपके साथ रेसिपी शेयर की थी, ये मोठ दाल की मूंगौड़ियां हैं, जिस तरीके से मूंग की दाल की बनती हैं सेम वैसी ही बनती हैं। मोठ की दाल बहुत हेल्दी होती है, और ये सब्जी तब काम आती है जब कोई सब्जी ना हो, और हो भी तो आपको बनाने करने का मन ना करे, जैसे कुछ अलग सा टेस्ट खाना हो। तो यहाँ पर मैंने मोठ की दाल की मूंगौड़ी बनाई है। और भी ज्यादा अच्छा टेस्ट करने के लिए आप मोठ की दाल में दो तीन और दालें मिक्स कर सकते हो, चौली की दाल या मूंग की दाल या थोड़ी सी चने की दाल। मैंने सिर्फ मोठ की दाल का यूज किया है, तो जिसमें मोठ का ही केवल टेस्ट आ रहा है, लेकिन आप मिक्स दाल भी कर सकते हो। ये मैंने पहले थोड़ी सी भून ली है कढ़ाई में मोठ की मंगौड़ियां, और अब मैंने कुकर में सरसों का तेल डाल के गरम किया, और अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट डाला है, और जीरा डाला है 1 चम्मच, और यहाँ पर मैंने चुटकी भर हींग भी डाली है। सभी चीजों का तड़का लगाने के बाद अब मैंने इसको प्याज डाल करके भी भूना है। तो मीडियम साइज के प्याज हैं, बारीक काटा है, और इन्हें डाल करके भून लेंगे। प्याज को बहुत ज्यादा लाल काला नहीं करेंगे, बस हल्का सा गुलाबी होने दिया है हमने, ट्रांसपेरेंसी हुई, प्याज भून गई है। अब मैंने डाला है हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्ची पाउडर, सूखे मसाले जितने मंगौड़ी हैं उसके हिसाब से ही डालना है ताकि हमारी ग्रेवी अच्छे से बन सके। और अब थोड़ा सा मैंने पानी डाला है जिससे सूखे मसाले ना जलें और अच्छे से भुन जाएं वो, और इस तरीके से भूनने से मसाले जलते भी नहीं हैं और जो तेल है सेपरेट भी हो जाता है। अब यहाँ पर मैंने थोड़ा सा बिल्कुल गरम मसाला डाला है, 1/4 टीस्पून, और साथ में 2 टमाटर बड़े साइज के जो मैंने काटे हैं ये डाल लेंगे। आप टोमेटो प्यूरी का यूज भी कर सकते हो। अब मैंने सब चीजें डाल करके अच्छे से भून ली हैं, टमाटर को अच्छा सा मैश कर रही हूँ मैं ताकि प्यूरी बन जाए, पेस्ट बन जाए, और वैसे तो टमाटर गल ही जाने हैं कुकर में। तो यहाँ पर ये देखो मसाला अच्छे से भुन गया है, और सूखे मसाले और टमाटर की एक पेस्ट तैयार हो गई है। इस टाइम पर मैंने एक आलू के छोटे टुकड़े किए हैं वो भी डाल दिया है, और आलू डाल करके भून लिया है टमाटर के साथ में आलू। कुछ मिनट भूनने के बाद ये जो मैंने तेल में भूनी हुई थी मोठ की वड़ियां ये डाली है कढ़ाई में, 2 चम्मच तेल में ही मैंने ये सारी मोठ की वड़ियां भून ली है। तो ये भूनने से चाहे मूंग वड़ी बनाओ चाहे मोठ की वड़ी बनाओ, हल्की सी पहले भून लो ना तो वो कच्चापन से नहीं रहती हैं, थोड़ी सी फ्राई हो जाती हैं। अब मैंने ये मोठ की वड़ियां डाल करके भी आलू के साथ भून लिया है, मसाले की अच्छी कोटिंग हो गई है कुछ मिनट भूनने के बाद।
पानी डाला है, पानी उतना ही डालें जितनी की ज़रूरत है, क्योंकि अभी मंगौड़ियाँ फूल जाती हैं, थोड़ी बड़ी हो जाती हैं साइज़ में, तो इसका भी ख्याल रखें। और अब मैंने यहाँ कुकर बंद किया है, दो विसिल में ये सब्जी तैयार हो जाएगी। सब्जियों में घर में थी गोभी, पत्ता गोभी और बैंगन, जो कि अभी किसी को खाने का दिल नहीं था, इस वजह से मैंने स्पेशली ये बनाया। और अब मैंने चावल निकाले एक डोंगे में और चावल धुल करके रख रही हूँ, ताकि जैसी सब्जी पक जाएगी फिर हम चावल बना लेंगे, एक के बाद एक के बाद एक काम। यहाँ ये सब चल ही रहा था और संडे का महासंग्राम कपड़े लत्ते वो तो आवाज़ दे रहे हैं, मतलब बारी बारी से जितने कपड़े निकाले गए हैं, बेडशीट वगैरह हैं, दीवान का कवर है, सारे कपड़े धुलने को निकाले गए हैं। अब वो धुल तो जा रहे हैं, बीच बीच में वहाँ भी दौड़ना पड़ रहा है। यहाँ सब्जी पक गई है, चावल धुले रखे हैं और अब आगे का काम। तो ये जब कुकर खोल कर देखा, जब तक मैं दो राउंड कपड़े निकाल के रख के आई हूँ, तो ये कुकर खोला है, सब्जी हमारी तैयार हो गई है, बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाला है और सब्जी रेडी। अक्सर गर्मी के दिनों में जैसे रात के समय ना कुछ क्या बनाया जाए, सब्जी रोटी बनती है, दाल तो रेयर ही बनाती हूँ रात में मैं, तो अक्सर ये सब्जी बनाती हूँ, लेकिन आज मैंने दिन के टाइम पे बनाया है, चावल के साथ अच्छी लगती है। और दाल अभी आज बनाना ही नहीं था, क्योंकि कल रात मैंने दाल बनाई थी मूंग की, तो शुभम को वही कल खाई थी। तो अब मैंने कुकर धुल लिया है, सब्जी पलट ली है और कुकर में पानी और नमक और थोड़ा सा तेल डाला है, घी या तेल कुछ भी मैं डाल देती हूँ ऐसे जो हाथ में आया, और कुकर बंद। एक विसिल आते ही बंद कर देती हूँ मैं इंडक्शन, और चावल हमारे परफेक्ट एकदम खिले खिले चावल बन जाते हैं। अब शुरू रोटी, रोटी थोड़ी सी बनानी है, ज़्यादा नहीं बनानी है, चावल के साथ सब्जी अच्छी लगती है, और बस फटाफट से यहाँ के काम खत्म। ऐसा लग रहा है कि रोटी बना के मैं फ्री हो जाऊँ, खाना बना रखा रहे, फिर मुझे अगर किस काम में टाइम भी लगे तो भी चलता है, मतलब फिर कोई ये नहीं होगा ना कि देर हो रही है। और अभी दूसरे कमरे की भी सफाई करनी है, जो सामने कर्टन लगा होता है ना उस कमरे की, दो ही कमरे हैं इस घर में, तो एक ये बेडरूम है और एक सामने वाला हॉल और किचन की, और ये रूम की सफाई तो आपने देखी है हो जाती है, मतलब अभी हो गई है। अभी तीसरे कमरे में पहुंचना है, तो वो यहाँ का काम करके जाया जाएगा, क्योंकि वो कमरा फैला बहुत रहता है, शुभम की बुक्स हैं, शुभी की हैं, कुछ इधर उधर टंगे हुए इनके हैंगर में कपड़े हैं, वो सब समेटने हैं। और ये सब करते करते यहाँ रोटियां बन गई हैं। बस कुकर की सीटी भी हो चुकी थी, स्टीम में ही चावल रहते हैं, जब पूरी स्टीम निकल जाती है तब खोलते हैं। तो रोटी के बर्तन मैंने यहाँ सिंक में रखा है, और जैसे ही रोटियां बनी रोज के जैसा ही घी लगा करके और फिर हाथ धुलने जब मैं सिंक में जाती हूँ, तो जो बर्तन होते हैं तो सोचती हूँ इनको भी इसी वक्त धो लो, क्योंकि अगर ये पड़ा रह गया तो एक ढेर एक बैच तैयार हो जाएगा बर्तनों का पिटारा, और फिर वो खाने के बाद वाला भी। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने ऑनलाइन बर्तनों के लिए क्या मंगाया, और ये है अमेजोन से मंगाया है हमने किचन में काउंटर टॉप में, जो लोग पूरे टाइम जैसे ना थोड़ी थोड़ी देर में बर्तन धुलना है, जैसे ग्लास के जो बर्तन होते हैं कांच के बर्तन, उनके लिए ये बहुत बढ़िया है। एक शीट है जो कि आप काउंटर टॉप में बिछा सकते हैं, और इसमें ये देखो एक्चुअली जिन घरों में जैसे बर्तन जो जैसे पिटारा हमारे यहाँ निकलता है, ये वाले बर्तन अगर आप बाहर में धुलते हैं या आपकी मेड आती है धुलने के लिए, आप सिर्फ कांच के बर्तन धो के रख रहे हो, कप ग्लास बाउल प्लेट्स ऐसे छोटे कांच के बर्तन, थोड़े से गिनती के 8-10 बर्तन, उनके लिए ये बहुत अच्छा है, क्योंकि इसकी साइज इतनी है, ये देखो जितना ये वो होता है ना सिंक है किचन का, उतनी लंबाई और बस थोड़ा सा चौड़ा। अब ये जो बर्तन मैं धुल के रखती हूँ ना ढेर भर, ये तो पूरा यहाँ से वहां तक बारात फैली रहती है, और इसके लिए ये कपड़ा छोटा है। मुझे बहुत सजेस्ट कर रहे थे कुछ फ्रेंड्स ने, कई बार अलग अलग नाम से बताया, अभी रिसेंटली मुझे किसी ने बोला तो मैंने ये ऑर्डर किया, और बहुत खुश हो गई मैं इसका फोटो देख के कि बर्तनों के लिए है परफेक्ट, क्योंकि इसके पहले गलत आ गया था, बच्चों वाला आ गया था, लेकिन इसका साइज इतना छोटा है कि ये उनके लिए है, जैसे कप धुल दिए ग्लास धुल दिया रख दिया, मेड आएगी सारे बर्तन धुलेगी, यहाँ तो सारे बर्तन खुद ही धुलने हैं।
इस वजह से वो थोड़ा छोटा लगा मुझे। और ये है की होल्डर, ये मैंने अभी मंगवाया है, ये दरवाजे के पीछे बिल्कुल इजीली पैक भी हो जा रहा है। और दरवाजे के कलर का है, वुडन कलर, काफी दिनों से तलाश थी कोई छोटा सस्ता मिल जाए सिर्फ चाबी लटकाने के लिए, तो ये नजर आया। बाकी थोड़े पहले भी दिख रहे थे लेकिन थोड़ा सा रेंज की बात थी, और ये अच्छा है तो हमने ये ले लिया है सिर्फ चाबी टांगने के लिए। और ये मैट लगा रही हूँ मैं डाइनिंग टेबल पर, तो बस कुछ इस तरीके से काम होते हुआते जो बर्तन धुल गए, खाना बन गया और यहाँ पर टेबल मैट लग गई हैं। और अब ये आखिरी काम हो रहा है कपड़ों का, मतलब 4-5 बकेट कपड़े थे क्योंकि बच्चों के कपड़े तो थे ही, साथ ही जब वो चादरें निकल गई, हॉल का निकल गया, दीवान का सेट और सोफे कवर, बेडरूम के दोनों चारों दोनों कमरों की चादरें निकल आई, फिर क्या कहने, फिर तो जगह ही कम पड़ जाती है कपड़े फैलाने के लिए, कहाँ रखो कहाँ क्या करो। फिर जैसे जैसे बड़े कपड़े थे फोल्ड फोल्ड करके यहाँ हैंगर में टांगे हैं मैंने, और जो छोटे छोटे कपड़े थे वो बालकनी में जो हैंगर है ना उसमें सारे लगाए हैं, उसमें भी काफी कपड़े आ जाते हैं, देखने में वो हल्का फुल्का सा है। और कुछ ये जो ग्रिल है यहाँ पर भी हम लगा देते हैं कपड़े, बस ध्यान रखना पड़ता है, या तो क्लिप लगा लो या फिर उन पे नजर रखो, जैसे सूखे तो अंदर कर लो, तो क्यों कपड़े डालने के बाद किचन में थोड़ा अंधेरा सा आ जाता है, इसलिए मैंने लास्ट में कपड़े टांगे थे। और वॉशिंग मशीन यहाँ बेडरूम की बालकनी में रखी हुई है, जहाँ पर ये एक छोटा हैंगर भी रखा है जो मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाया था ऑनलाइन और आपको दिखाया भी था, इसमें भी काफी कपड़े आ जाते हैं। तो जो छोटे छोटे हल्के कपड़े सब ड्राई करके ही कपड़े टांगे हैं तो हल्के हो जाते हैं, फिर ये सब मैंने यहाँ टांग दिया है। और बस अब जैसे जैसे धूप आनी शुरू होती है ये ग्लास यहाँ लगा देते हैं बेडरूम का जो बालकनी का है, और इसीलिए अभी डार्क शेड के कर्टन लगाए मैंने, क्योंकि अब हल्की धूप भी रहेगी तो ग्रीन डार्क है तो कमरे में अंधेरा सा महसूस होगा, तो मेरे आराम खाने की पूरी सुविधा बना ली है मैंने। अब देखो करते करते तो टाइम 2 बज गए हैं, लंच टाइम हो गया है, खाना रेडी है तो मैं खाना निकाल रही हूँ। बहुत ही सिंपल है, संडे है लेकिन एकदम सिंपल सा लंच है, लेकिन साथ में दही निकालूंगी मैं फ्रिज से। और ये जो बर्तन मैंने धुले थे, और जब मैं बास्केट में रखती हूँ ना तो सारे कपड़े सारे बर्तन अच्छे से ड्राई हो जाते हैं अपने आप ही, तुरंत 10 मिनट भी नहीं लगता। एक तो विंडो से हवा आती है और वो बास्केट से पानी झड़ जाता है ना, तो वो जल्दी बर्तन सूखते हैं, पलट के बर्तन रखते हैं। तो बर्तन सारे मैंने हटाए और ये थाली लगा रही हूँ मैं। तो ये देखो दही मैंने कल जमाई थी जो कि मैंने फ्रिज में रख दी थी और अभी मैंने फ्रिज से निकाल ली है, तो इस तरीके की दही सेट हो जाती है, गर्मी के दिन है। मैं मिट्टी का मैं पॉट लाई थी ना, बहुत कोई इंतजार कर रहा है कि मैं कब मिट्टी के बर्तन में दही जमाऊंगी, जो मैंने मिट्टी का पॉट मंगाया था उसको मैंने कितनी बार भी धुला, हर बार वो लाल लाल मिट्टी का निशान उंगली में लग जा रहा है, इस वजह से मैं उसमें दही नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि ये जो मिट्टी है ये दूसरी मिट्टी है, मतलब हमारे बांदा में जो मिलता है ना मिट्टी का पॉट जिसमें दही जमाते हैं वो पकी हुई मिट्टी रहती है, उसका ऐसे छूटता नहीं है लाल लाल रंग, इसका इतना मैंने धुला 3-4 बार अभी भी वो लाल लाल आ रहा है उंगली में, तो मेरा मन नहीं कर रहा उसमें दूध डालने का ना, इसलिए मैं अभी भी स्टील के बर्तन में जमा रही हूँ, रखा है मिट्टी का बड़ा सा कटोरा। तो दही में शुभम को चीनी, शुभी को नमक और भुने जीरा पाउडर चाहिए रहता है, और सब्जी रोटी चावल और दही, यही हमारा सिंपल लंच है। और मैंने निकाली है वो जो कटोरी में दाल रखी है, कल रात की मूंग की दाल एक कटोरी बच गई थी, अभी मैंने माइक्रोवेव में उसको गर्म किया, मेरी फेवरेट दाल और मुझे बहुत पसंद है, और मैं यही खाऊंगी दाल, और ये सब्जी भी खा रही हूँ, और ये दाल गरम गरम पीने में अच्छी लग रही है। तो जो भी कई बार ऐसा चीजें होती हैं जो बच जाती हैं जो हमें पसंद होती हैं, तो वो मैं अगले दिन जरूर खा लेती हूँ, और सुबह जो बचता है वो तो मैं शाम को खा ही लेती हूँ, कई बार कुछ पूछते हैं ना फ्रेंड्स, इसलिए मैं बता रही हूँ कि। और बस अब यहाँ पर सारा किचन क्लीनिंग हो चुकी है, अब थोड़ा सा आराम करूंगी और फिर मैंने शाम